सत्रह कितना होता है? सत्रह सौ चौतीस आए सत्रह सौ एक सौ चौतीस सत्रह सौ एक सौ सत्रह सौ अठारह बहत्तर अठारह पचानबे अठारह छः एक सौ आठ अठारह अठारह एक सौ अठारह 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 एक सौ बारह एक सौ पाँच हाँ नहीं एक सौ बारह एक सौ बारह त्रिभुज का तीनों कौन का ही होगा हमको नहीं पता हम सीधा फार्मूला आप देख रहे हैं अरविंद टाइम्स। अभी देखिए छात्राएं जो है वह एग्जाम देकर निकल रही है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कैसा रहा पेपर? ठीक था। ठीक था कौन सा पेपर था? कौन सा पेपर था? अरे बोलिए तो सही। बोलिए ना जी मैथ का था। अरे आइए आप लोगों से बात कर ले आइए। कैसा पेपर था? बहुत अच्छा था। इधर आ जाइए। बहुत अच्छा था। अरे इधर आइए आइए कोई बात नहीं बताओ। कौन सा पेपर था? मैथ का था। मैथ का था। मैथ का स्पेलिंग क्या होता है? एम ए टी एच मैथ। मैथ बहुत अच्छा। कौन से सवाल आया था? कौन से त्रिभुज के कौन सवाल आया था? त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोण के बोले फिर सर। सत्रह के पहाड़ा सत्रह सत्य कितना होता है? सत्रह सौ चौंतीस आए सत्रह सत्य एक सौ चौंतीस सत्रह सत्य एक सौ चौंतीस अठारह अठे कौन सा पेपर कैसा गया? अच्छा था। अच्छा था पेपर कैसा गया? थोड़ा सा आ जाइए टफ अच्छा था या इजी? थोड़ा भारी था। भारी था ओ यानी पेपर भारी था। हाँ भाई पूरा बनाया। अंदर कोई दिक्कत हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हम जा रहे हैं घर। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। गाड़ी कहाँ? चलिए कैसा पेपर गया? अच्छा गया। अच्छा था। और लोगों से बात करेंगे। देखिए देखकर लोग डर रहे हैं और बात भी करने से। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। काहे डर रहे हैं? तो और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं और लोग आ रहे हैं। मैम तो एग्जामिनर हैं। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। अच्छा रहा बहुत अच्छा। सवाल कैसा था? इजी था या हार्ड था? थोड़ा हार्ड था। हार्ड था हाँ। मैथ हार्ड था। ऑब्जेक्टिव कितना नंबर का था? 50 नंबर का। 50 नंबर के 100 नंबर का था लेकिन 50 नंबर बनाना था। ओ, बनाना था बहुत अच्छा है। लेकिन 17 सत्य कितना होता है? 17 सत्य 17 50 17 6 102 17 सत्य 119 18 8 18 17 14 72 18 95 18 6 108 18 126 126 18 सत्य ना 18 8 तो आपने देखा और लोगों है। मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। आइए इधर। कैसा रहा पेपर? काहे भाग रहे हैं? कैसा गया पेपर? पेपर कैसा था? ठीक था। अच्छा था हाँ। एग्जाम अच्छा गया है? हाँ अच्छा। कैसा पेपर गया? अच्छा पेपर गया। अच्छा गया जी। एग्जाम सही गया है ना? जी, मैं सही। कितना नंबर आ जाएगा? मेरे अंदाज से है कि मैं 100% में 99% ला दूंगी। आई मीन 100% में 99% ला दीजिएगा। कितना सही है? कैसा सवाल था? इजी था या हार्ड था? हार्ड था और इजी भी था दोनों। मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। जी जी। अच्छा 18 अठे कितना होता है? क्या 18 अठे? हाँ 18 अठे 112 105 हाँ नहीं 112 112 हाँ। 17 सते 17 सते 100 कैसा रहा? ये कैसा गया पेपर? मस्त गया है। मस्त गया यस। अरे बहुत खुश है। कितना नंबर आएगा? कितना नंबर आएगा? 100 नंबर आएगा। 100 नंबर आएगा? अरे इतना कॉन्फिडेंस है 100 नंबर आएगा? हाँ 100 नंबर आएगा। 100 में 100 तो नहीं आता, आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। में पढ़ते हैं हम मैथमेटिक्स में। अच्छा त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? त्रिभुज का तीनों कोण का योग हमको नहीं पता, हम सीधा फार्मूला नहीं देखे सीधा आंसर निकाल दिए। सीधा आंसर निकाल दिए। अरे बड़ी खुशी की बात है। कैसा गया एग्जाम? कैसा था एग्जाम? अच्छा ही गया। अच्छा गया। हाँ सेकेंड सीटिंग का जो क्वेश्चन था फर्स्ट सीटिंग की अपेक्षा भारी थी। अच्छा मतलब क्वेश्चन हार्ड था या मॉडरेट? नहीं ठीक ही था, पढ़ने वाले के लिए सब ठीक है। सवाल कैसा था? साइन थीटा का मान कितना होता है? पी बटा एच। जो पाई का मान कितना होता है?
22/7 22/7 जी बहुत अच्छा। कितना नंबर आ जाएगा? 80+ आ जाना चाहिए। त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री जी। टोटल नंबर मैथ में 100 नंबर का बनाया, कितना नंबर आ जाना चाहिए आपका? ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा। ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होगा जी। सब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाला जो होता है ना, हाँ। उसमें एक छोड़ है बस। सब्जेक्टिव में 5 नंबर वाला जो होता है ना, हाँ। उसमें एक छोड़ है बस, मतलब आधा बना के छोड़ दिए हैं। ओ, लेकिन बाकी ये सब का आंसर आ गया है जी। चलिए बहुत अच्छा, और एग्जाम भी अच्छा रहा। त्रिभुज का एक कोण का मान कितना होता है? 60 जी। अच्छा चलिए, तो आपने देख लिया, और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त अगले वीडियो में अगले खबर के साथ। धन्यवाद।